बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत होंगे, खुश होंगे। तो आप देख रहे हैं हेल्दी किचन विद मलिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियों की रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैदा 2 कप। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर शुगर 1/2 कप। सूजी ले लेंगे हम 1/2 कप। नारियल का बुरादा ले लेंगे 1/2 कप। सफ़ेद तिल 1/2 कप। सबज इलायची का पाउडर ले लेंगे हम 1 टीस्पून। देसी घी ले लेंगे हम नीम गरम, इसको गरम किया हुआ है हमने, तो ये हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें आप, एक बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मिक्सचर बन गया है। तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको नरम सा हम डो बना लेंगे। जितना हमें दूध की ज़रूरत महसूस होगी हम उतना उसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे। एकदम से सारा दूध नहीं डालना, क्योंकि इससे जो डो है वो ज़्यादा पतला भी हो सकता है, अगर कम डालेंगे तो वो हार्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम जितनी ज़रूरत होगी उतना इसमें शामिल करेंगे, और नरम सी डो बनानी है। तो दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन कर लें। इससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी, और मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आप मिस ना करें। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है, बहुत ही कम दूध लग गया है, और डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हमारी बनी है, तकरीबन 1/2 कप से भी कम दूध लगा है हमारा। तो आप भी इसी तरह से अपनी जितना आपको ज़रूरत महसूस हो उतना ही इसमें दूध ऐड करिएगा थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से सारा नहीं डालना। तो अब हम डो को रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो दोस्तों, हमने इसको थोड़ी देर रखा था, तो अब दोबारा से हमने इसको अनकवर कर दिया, और इसके हम 2 बराबर पीसेस काट लेंगे, और इसको बेलेंगे। अब इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं बेलना, ताकि ना ज़्यादा टिक्कियाँ ब्रीक बने, और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे, ताकि ना ही टिक्कियाँ मोटी बने ना ही ब्रीक बने, मीडियम सा रखेंगे इसको। और जैसा मर्ज़ी इसको गोल मटोल या जैसा चौरस जैसा आप चाहें इसको बेल लें, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है, तो शेप जो जैसा भी बेल लें कोई इशू नहीं। दोस्तों, हमने इसको बेल लिया है, तो इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। तो कोई भी कवर ले लें, या आपके पास कुकी कटर हो तो उस हिसाब से आप इसको काट लें। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे, और जो साइडों से एक्स्ट्रा डो है वो उसको उठा लेंगे हम। ताकि जो वेस्ट ना हो, और उसको हम दोबारा से बेल के दोबारा से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो जो टिक्कियाँ हमने बनाई हैं उनको ट्रे में निकाल लेंगे। इसको दोबारा से हम बेल लेंगे, और इसकी टिक्कियाँ काटेंगे सेम प्रोसेस जैसे पहला किया हमने। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, और बहुत ही जल्दी सी बन जाती है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो जाए। तो ऑयल हमने गरम किया हुआ था, उसमें हम ऐड कर देंगे सबको। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये बहुत ही नरम है, और इसको हमने चमचे नहीं हिलाना ताकि ये टूटे ना, क्योंकि इसमें जब ऑयल के अंदर इसको हम डालेंगे तो तकरीबन जब तक ये फुल ब्राउन ना हो जाए इसको हम नहीं छेड़ेंगे,
नहीं तो ये टूट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तो इनको हम चम्मच के साथ नहीं हिला सकते, वरना ये टूट सकती है। और बहुत ही त्याग से इसको हिलाना पड़ता है, क्योंकि ये जब गर्म होती है तो बहुत नरम होती है, फिर ठंडी होना जब फ्राई हो जाए तो फिर कोई डर नहीं, फिर ठंडी होकर ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है। तो इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लिया है, बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो इनको हम निकाल रहे हैं। तो दोस्तों मीठी टिक्कियाँ जो हैं हमने फ्राई कर ली हैं, इनको हमने निकाल लिया है डिश में, तो इस तरह से बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। तो दोस्तों बहुत ही मज़े की हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें अपना रिजल्ट दिखाने के लिए आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और अपनी पिक्स जो है वो DM कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी मीठी टिक्कियों की रेसिपी कैसी लगी, और बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से भी ठंडी होकर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं, क्योंकि गर्म गर्म जो होती हैं वो बहुत नरम होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की मीठी टिक्कियों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही के बेल के बटन को लाजमी ऑन कर लें, ताकि इससे हमारी हर नई नई जो रेसिपीज़ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।